यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेमौसम बारिश के चलते मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के कई शहरों में कल से लेकर आज तक बारिश हो रही है। इससे कई जगहों पर प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है तो तापमान गिर गया है। नवंबर के महीने में ऐसी बारिश कम ही देखने को मिलती है और यही वजह है कि बारिश के बाद आजमगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से ही यहां के आसमान में काले बादल छाए थे जिसके बाद भारी बारिश होने लगी। बारिश की वजह से फिजा में ठंडक का एहसास बढ़ गया। आजमगढ़ ही नहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, ठंड बढ़ गई और हवा में बढ़ते प्रदूषण का स्तर भी कम हो गया। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई शहरों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश के चलते तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, ठंड बढ़ गई है। लेकिन इस बारिश से सबसे राहत की बात ये है कि जो हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा था पिछले कुछ दिनों से, जो AQI 450 के करीब पहुंच गया था, उसमें अब काफ़ी सुधार हुआ है। और अगर आज हम लखनऊ के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो महज 61 बना हुआ है, यानी मॉडरेट है। ये बात गाजियाबाद की करें तो यहाँ भी बिन मौसम हुई बरसात से माहौल सुहाना हो गया। अभी सर्दी की शुरुआत है लिहाजा ये बारिश ठंड का प्रकोप तो बढ़ाने वाली नहीं है। हाँ, इससे पर्यावरण जरूर बेहतर होगा और लोगों को प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से अम्मा रिजवी और गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।